हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं खांसी, जुकाम, बुखार, नजला और गले का इन्फेक्शन, इन सब के लिए एक बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा और बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें सामग्री चाहिए 1 गिलास के करीब पानी, 1 अदरक का छोटा टुकड़ा और आधा नींबू इसका रस हमें चाहिए, और चाहिए 1 चम्मच हमें चाहिए डाबर का हनी या जो भी आपको हनी आपके घर में शुद्ध हनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको बनाने की विधि देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप एक पैन में 1 गिलास के करीब पानी ले लें और इसको इंडक्शन चूल्हे पर या गैस स्टोव पर या किसी भी तरह आप इसको गर्म करने के लिए रख दें। इसको हमें गैस को इंडक्शन चूल्हे को ऑन करते हैं और ये पानी अब गर्म होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तब तक हम अदरक के छोटे छोटे पीस करके इसको कूट लेते हैं, और ये हमने कूट के ऑलरेडी रखा हुआ है, इस तरह का ये कूट कर हो जाएगा। ठीक है, ये अदरक के छोटे छोटे टुकड़े अब हम इसे पानी में डाल देते हैं। अदरक के छोटे टुकड़े पानी में डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा बॉयल होने दें, गरम होने दें, और थोड़ी सी देर गरम होने के बाद आप इसको इस गिलास के अंदर छानकर पानी को निकाल लें। ठीक है, ये अभी बॉयल हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये बॉयल हो चुका है बिल्कुल, और अब इसके हम 1 गिलास में छान लेते हैं, और उसके बाद ऊपर से हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और 1 चम्मच शहद। ये देखिए, ये उबल रहा है, अब इसको हम इंडक्शन चूल्हे को बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसको इस गिलास में निकाल लेते हैं। जितना भी आपको पीना है उतना आप ले सकते हैं, कम से कम 1 गिलास आप जरूर लें। यह हमने छान कर इसमें रख लिया है, और जो बची हुई सामग्री है आप इसको छोड़ दें, फिर नेक्स्ट टाइम इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आ चुका है। दोस्तों, इसके साथ हम आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दें कि आप नींबू तो गर्म पानी में डाल सकते हैं, लेकिन शहद यदि आपने डालना है तो इस पानी को थोड़ा सा ठंडा होने दें, यानी इतना गर्म हो कि उसे आप बहुत आसानी से पी लें, तब इतना गर्म रह जाए तब उसमें शहद मिलाएं 1 चम्मच। ठीक है, नींबू का रस मैं इसमें मिला देता हूँ। ठीक है, इसके बीज इसमें से निकाल दें, बीज की इसमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें रस चाहिए इसका। ठीक है, ये इस तरह से इसमें रस डाल दिया है। अब लेंगे हम इसमें 1 चम्मच शहद। ये 1 चम्मच शहद हमने इसमें मिलाया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। दोस्तों, ये दवा बनकर बिल्कुल तैयार है। आपने इसी तरह से पूरे दिन में 3 या 4 बार
बनाकर लेना है। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है, इसके एक ही दिन के इस्तेमाल से किसी भी तरह का जुकाम, खांसी, नजला और गला यदि आपका खराब है और उसकी वजह से आपको यदि बुखार भी आ गया है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि पहले दिन ना हो तो आप इसको नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अदरक जो आपने इसमें मिलाया है उसकी तासीर गर्म है और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है खांसी, जुकाम, नज़ले को और गले की खराश को, गले के खराब होने को दूर हटाने के लिए। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में सर्दी लग जाना, खांसी, जुकाम, बुखार, नज़ला और इस तरह की समस्याएं हो जाना बहुत आम सी बात है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो सकते हैं और इनसे बहुत आसानी से बच सकते हैं। आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। हमारे वीडियो और बताया गया नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।